हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बहुत इजी है। तो इनवर्स का फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू वन ओवर ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर नॉन जीरो आया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अगर जीरो आया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ए डिटरमिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे, 4 1 3 1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर माइनस 1 को 3 के साथ तो 3, विच इज इक्वल टू 1। अब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 और 1 को रिप्लेस करेंगे तो ये इधर 1 आ जाएगा, इधर 4। 1 और 3 का साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -3। अब इस इधर वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम 1 नाम देंगे, पुट वैल्यू इन 1। पुट वैल्यू इन 1, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट। तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 थी और एडजॉइंट आ गए 1 -1 -3 4। 1 divided by 1 से 1 आएगा और जब हम 1 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आएगा 1 -1 -3 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बी मैट्रिक्स गिवन है 3 4 1 2, इसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले बी इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर बी डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। सबसे पहले हमने बी डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर हमें नॉन जीरो वैल्यू हासिल हुआ तो हम मजीद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो बी डिटरमिनेंट इक्वल टू 3 4 1 2, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, फिर माइनस 4 into 1 से आया 4, 6 - 4 = 2। नो वी विल फाइंड एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी तो 2 और 3 को रिप्लेस किया, 4 और 1 का साइन चेंज किया, 2 - 4 - 1 3। नो पुट वैल्यू इन 1, इधर 1 में अब वैल्यू पुट करेंगे। बी डिटरमिनेंट की वैल्यू है 2, एडजॉइंट बी की वैल्यू, ये वैल्यू हमने इधर पुट किया 2 - 4 - 1 3। फिर 1 और 2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 और 2 के साथ, इसी तरह -2 into 1 over 2 - 1 into 1 over 2, 3 into 1 over 2, 2 over 2 cancel, -4 into 1 over 2 से हासिल हुआ -2। इसी तरह -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को इस 1 के साथ, तो b inverse equal to 1 - 2 - 1 over 2, 3 over 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में c मैट्रिक्स गिवन है 4 - 3 - 1 2। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे c इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर c डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट c। फर्स्ट वी विल फाइंड c डिटरमिनेंट। सबसे पहले हमने c डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो 4 - 3 - 1 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, फिर -3 को -1 के साथ, तो -(-+)3 into 1 = 3, 8 - 3 = 5। इसके बाद एडजॉइंट c फाइंड करेंगे। एडजॉइंट c में 4 और 2 को रिप्लेस किया, 3 और 1 का सिंबल चेंज किया, ये -3 - 1 था तो +3 और +1। नो पुट वैल्यू इन 1। अब इधर 1 में वैल्यू पुट करेंगे, c इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर c डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ c। c डिटरमिनेंट की वैल्यू 5, तो 1 ओवर 5 और एडजॉइंट c की वैल्यू ये वैल्यू 2 3 1 4। 1 ओवर 5 को हर एक एलिमेंट के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई किया, c इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे आया 2 ओवर 5, फिर 1 ओवर 5 को 3 के साथ तो इससे आया 3 ओवर 5,
फिर वन मोर फाइव को वन के साथ तो ऐसे आया वन मोर फाइव और फोर इंटू वन मोर फाइव आया फोर मोर फाइव फोर सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर फोर में डी मैट्रिक्स गिवन है जीरो माइनस थ्री टू फोर। सबसे पहले इनवर्स का फार्मूला, इसके बाद सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो को फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आया, फिर माइनस माइनस थ्री को टू के साथ तो माइनस सिक्स आया, तो फार्मूले वाला माइनस और माइनस सिक्स वाला माइनस से प्लस आया जीरो प्लस सिक्स इक्वल टू सिक्स हो। नो वी विल फाइंड एडजॉइंट डी, तो एडजॉइंट डी जीरो को फोर के साथ रिप्लेस किया तो फोर जीरो, माइनस थ्री और टू का सिंबल चेंज किया तो ये प्लस थ्री और ये माइनस टू बन गया। नो पुट वैल्यू इन वन, अब इधर वन में वैल्यू पुट करनी है। डी इनवर्स इक्वल टू वन ओवर सिक्स हो, डी डिटरमिनेंट की वैल्यू सिक्स है, इसी तरह एडजॉइंट डी की वैल्यू फोर थ्री माइनस टू जीरो। फिर वन ओवर सिक्स को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, फोर के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो इधर हमने इसको सिर्फ जिस फॉर्म में लिखा टू ओवर थ्री से आया, फिर थ्री इंटू वन ओवर सिक्स से आया वन ओवर टू, फिर माइनस टू इंटू वन ओवर सिक्स से आया माइनस वन ओवर थ्री, जीरो इंटू वन ओवर सिक्स से आया जीरो। अब क्वेश्चन नंबर फाइव में ई मैट्रिक्स गिवन है 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सबसे पहले फार्मूला, इसके बाद ई डिटरमिनेंट 1001, वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो वन, फिर माइनस जीरो इंटू जीरो से जीरो, वन माइनस जीरो इक्वल टू वन। इसके बाद एडजॉइंट ई, तो एडजॉइंट ई बिल्कुल सेम टू सेम 1001, इसी तरह नो पुट वैल्यू इन वन, तो वन में जब वैल्यू पुट किया तो वन वन ई डिटरमिनेंट, ई डिटरमिनेंट की वैल्यू वन थी तो वन डिवाइड बाई वन, इससे वन आया तो सिंबल हमारे साथ आया 1001। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत सिंपल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।